Good morning, students. Today, in this science class, we will discuss about velocity. Velocity is defined as the rate of change of displacement of a body. Velocity क्या है? ये है किसी भी body के जो displacement है उसमें समय के साथ जो बदलाव आता है उसको हम velocity बोलते हैं. Velocity is defined. It can also be defined as the distance traveled by a body in unit time in a given direction. एक निश्चित दिशा में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने उसके द्वारा तय की गई दूरी जो है वो समय के साथ बदल रही है, वी कैन से एक निश्चित डायरेक्शन में उसका डिस्टेंस समय के साथ लिया जा रहा है तब हम उसको वेलोसिटी कहेंगे. सो द वेलोसिटी कैन ऑल्सो भी डिफाइंड एज द स्पीड विद डायरेक्शन. वेलोसिटी एक्चुअल में क्या है? स्पीड विद डायरेक्शन. एक ऐसी स्पीड जिसकी एक निश्चित डायरेक्शन है उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं. नाउ वेलोसिटी का फॉर्मूला है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन, अगर डिस्टेंस की एक निश्चित दिशा है तो हम उसको डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं. सो द वेलोसिटी फॉर्मूला वेलोसिटी कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. इफ़ अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस एस इन टाइम टी इन अ गिवन डायरेक्शन देन इट्स वेलोसिटी वी इज गिवन बाय v is equal to displacement upon time, v is equal to s upon t. So this is the formula of velocity, v is equal to s upon t. Now some important not regarding velocity. Velocity is a vector quantity. It is a vector quantity. So for defining velocity we need magnitude as well as direction. So it is a vector quantity. Direction of velocity is the same as the direction of displacement of the body. So the direction of velocity is same as the direction of the displacement of the body. Velocity can be either positive, zero or negative. Velocity positive bhi ho sakti hai, zero bhi ho sakti hai aur negative bhi ho sakti hai. Theek hai? Jabki speed negative kabhi nahi hoti. क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव जीरो और नेगेटिव हो सकती है. नेक्स्ट है कि वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड बाय टू वेज. वेलोसिटी को हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं. फर्स्ट बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी. किसी भी बॉडी की स्पीड में चेंज करके हम वेलोसिटी को बदल सकते हैं. दूसरा बाय कीपिंग द स्पीड कॉन्स्टेंट बट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन. स्पीड तो वही रखें लेकिन उसकी डायरेक्शन, उसकी दिशा बदल दें अगर किसी ऑब्जेक्ट की, तब भी वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा. सो इन दो तरीकों से हम वेलोसिटी को बदल सकते हैं. नाउ मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी. यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या है? द वेरियस यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी आर सेंटीमीटर पर सेकंड. सेंटीमीटर पर सेकंड जो है सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट है. सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड. ये एक सिस्टम है यूनिट्स का. सेंटीमीटर फॉर लेंथ, सेंटीमीटर फॉर लेंथ, सो वेलोसिटी इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स. यहाँ पर आप देख रहे हो सीजीएस एक सिस्टम है यूनिट्स का. सीजीएस, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड. तो इस सिस्टम के अंदर सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम में जो हम ये कहें कि इसकी यूनिट जो है सेंटीमीटर पर सेकंड होती है वेलोसिटी की. और एसआई सिस्टम में, एसआई मीन्स सिस्टम इंटरनेशनल में इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड इसकी एसआई यूनिट होती है इन एसआई सिस्टम में. नाउ किलोमीटर पर आवर इन प्रैक्टिकल लाइफ व्हेन द डिस्टेंस एंड टाइम इन्वॉल्वड आर लार्ज. अगर डिस्टेंस भी ज़्यादा है, टाइम भी ज़्यादा है, प्रैक्टिकल लाइफ में वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? किलोमीटर पर आवर. सो दीज आर द वेरियस यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी. अमंग देम द एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड. इनमें से मीटर पर सेकंड जो है वो एसआई यूनिट है. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अ बॉडी इज सेट टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ इट ट्रेवल्स इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन in a straight line and moves over
इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर एक बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रही है, हम कब कहेंगे, जब वो एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में सीधे सीधे जा रही है, सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन जा रही है और उसके द्वारा तय की गई दूरी जो है समय के साथ साथ बराबर है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बराबर है, तब हम कहेंगे कि एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है। ओके, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नो एफर्ट्स और फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है तो उसमें हमें कोई फोर्स या एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती। नाउ वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, अ बॉडी इज सेट टू बी मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी इफ इट्स स्पीड और डायरेक्शन बोथ चेंजेस विथ टाइम। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन दोनों, इफ इट्स स्पीड और इट्स डायरेक्शन, या तो उसकी स्पीड या उसकी डायरेक्शन या दोनों ही समय के साथ चेंज हो रही है, तो हम क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट कैसे जा रहा है, वेरिएबल वेलोसिटी के साथ जा रहा है। द बॉडी इज मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, व्हेन ए बॉडी मूव्स विथ वेरिएबल वेलोसिटी, मूव्स विथ वेरिएबल वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय इट टू द टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी के साथ जा रहा है तो एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, उसके द्वारा तय की गई इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी और साथ में उसको हम टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे। इस तरह से हम उसका एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय इट टू द टोटल टाइम टेकन से हम उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये भी हो सकता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टू। अगर उसकी वेलोसिटी दो बार चेंज हो रही है, इनिशियली कुछ और वेलोसिटी थी और फाइनली कुछ और वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टू करेंगे। मान लो अगर इनिशियल वेलोसिटी यू है और फाइनल वेलोसिटी वी है, तो इसका इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा यू प्लस वी डिवाइडेड बाय टू। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड फॉर्मूला, यू प्लस वी अपॉन टू ऑफ एवरेज वेलोसिटी। नाउ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी जो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ जा रही है, उसकी वेलोसिटी उसके या तो उसकी स्पीड चेंज हो रही है, उसकी दिशा चेंज हो रही है, दोनों में ही चेंज आ रहा है समय के साथ, और उसकी वेलोसिटी वेरिएबल है, चेंजेबल है, तो किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में जो उसकी वेलोसिटी होगी उसको हम फिजिक्स में बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डिफरेंसेस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या डिफरेंसेस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। फर्स्ट, स्पीड इज द रेट, इट इज़ द टाइम रेट, और वी कैन से रेट, सिंपली रेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी। स्पीड कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड स्पीड। नाउ वेलोसिटी, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। समय के साथ डिस्प्लेसमेंट में जो बदलाव हो रहा है दैट इज़ वेलोसिटी, और समय में डिस्टेंस में जो दूरी में जो बदलाव हो रहा है दैट इज़ स्पीड। फर्स्ट डिफरेंस। नाउ नेक्स्ट, स्पीड टेल्स नथिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, वाइल वेलोसिटी टेल्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। स्पीड से हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन के बारे में पता नहीं चलेगा, जबकि वेलोसिटी से हमें किसी भी बॉडी के डायरेक्शन के बारे में भी पता चलेगा वेलोसिटी से। थर्ड डिफरेंस, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी वाइल वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको डिफाइन करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, जबकि वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए, इसको बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी वैल्यू के साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ फोर्थ डिफरेंस, स्पीड ऑफ द बॉडी कैन बी पॉजिटिव और ज़ीरो। स्पीड जो है किसी भी बॉडी की पॉजिटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है, वाइल वेलोसिटी
ऑफ द बॉडी कैन बी पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव. जबकि वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. जबकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती. लास्ट डिफरेंस, एवरेज स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी ज़ीरो. ठीक है, एवरेज स्पीड कभी भी ज़ीरो नहीं होती, जबकि एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन बी ज़ीरो. एवरेज वेलोसिटी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड होता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी एक मूविंग बॉडी की ज़ीरो हो सकती है. सो दीज आर द सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. सो स्टूडेंट्स, गो थ्रू ऑल दीज टॉपिक विच आई हैव टीच यू टूडे एंड लर्न देम, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम एंड लर्न देम एंड मेंटेन द नोट्स. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.